नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं अंकिता सिंह। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सर्वे चौक देहरादून में संजीवनी फेस्ट कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से आयोजन से हमारे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड के विभिन्न थीम पर आधारित उत्पादों को सही प्लेटफॉर्म मिलने से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर हमारे स्थानीय उत्पादों को अलग पहचान मिलेगी। उत्तराखंड सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन एवं स्वयंसेवी संस्था है। यह संस्था महिलाओं तथा बालिकाओं के उत्थान एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 20 सालों से प्रयासरत। संजीवनी की वर्तमान अध्यक्षता श्रीमती दीपा प्रकाश के प्रयासों से 2 दिवसीय संजीवनी फेस्ट का आयोजन किया गया है। महिला एवं बालिका विकास को समर्पित संजीवनी कोरोना काल से प्रभावित ग्रामीण दस्तकारी, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक उत्पाद एवं अन्य ग्राम उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। संजीवनी फेस्ट का शुभारंभ राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को किया था। इस संजीवनी फेस्ट को सफल बनाने में श्रीमती दीपा प्रकाश की अध्यक्षता में फेस्ट की सदस्य श्रीमती अलकनंदा अशोक, श्रीमती रश्मि वर्धन, श्रीमती अंजलि सिन्हा, श्रीमती अनुराधा सुधांशु, श्रीमती आकांक्षा सिन्हा, श्रीमती शर्मिला, श्रीमती अंशु पांडे, श्रीमती मुदिता संत, श्रीमती गुंजन यादव, श्रीमती रूपाली ज्योति, श्रीमती लता रावत, श्रीमती शालिनी शाह, श्रीमती दीपाली सिंह एवं श्रीमती शिखा पांडे ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।